गोंडवाना रत्न स्वर्गीय दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा तोड़े जाने के विरोध में सौंपा ज्ञापन। सतना गोंडवाना गणतंत्र के संस्थापक गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा को तोड़े जाने के विरोध में मध्य प्रदेश कुल समाज सेवा संघ ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रभान रावत ने बताया कि 17 फरवरी 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के ग्राम बुरासिया में हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया, जिसके कारण संपूर्ण भारत देश में आदिवासी समाज के करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान को गहरा आघात हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से समाज के लोगों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बताइए, आप लोग आज किस विषय में ज्ञापन देने आए? मैं हीरा सिंह मरकाम दादा जी के हमारे गोंडवाना रत्न हैं और उनकी मूर्ति जो है छत्तीसगढ़ कोरबा जिले में लगाई गई थी या उनको कुछ दमंग द्वारा जो है उनकी मूर्ति तोड़ी गई है। हम लोग चाहते हैं कि हम जब किसी की मूर्ति में हाथ नहीं लगाते, हम किसी की मूर्ति को अपमान किसी को नहीं करते, तो हम लोग भी मतलब इसी धरती में रहने वाले हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी सम्मानपूर्वक जिए यहाँ पे। हम नहीं चाहते कि हमारा किसी अन्य समाज से हम लोगों का आपस में एक टकराव हो, विरोध बने। तो आपको क्या लगता है कौन लोग हैं ये? हो गए समान वर्ग के लोग हैं, सब मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं। इनको आप तो खुद ही सब समझते हैं कि मतलब ये कौन लोग हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा इनको मिले। क्या संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री सरकार को? हम ये चाहते हैं कि अगर ये हमारे लोगों के साथ अगर इसी तरीके से अन्याय अत्याचार होता रहेगा तो आने वाले समय में इनकी सरकार हम लोग किसी कीमत में बनने नहीं देंगे। हम लोग पूरी ताकत से आदिवासी समाज विरोध करेगा। हमारा नाम राजकुमार कोल है और मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला से, यही सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।